वो पानी कितने करके है? 150. वेरी कॉस्टली यार. मैं लास्ट टाइम गया था, 1 वीक हो रहा है, 1 वीक या 10 डे यहाँ से पैदल गया था, आपको नहीं देखा क्या? मैं तो अभी ये रखा है. Three glass is four. Oh. Wow. It's very tasty, na? Oh, wow. Shukriya. Thank you. जय जगन्नाथ, जय उड़ीसा, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों. कल मैं आज चंपाई से निकला, फिर रात ना 12 बज गया मेरे को किफांग पहुंचते हुए. फिर क्या बोलूं यार, रात को बहुत ज्यादा फंस गया था. बारिश गिरने लगा, मैं इधर उधर घूम रहा हूँ, कहाँ स्टे करूँ, कहाँ टेंट लगाऊं, बोल के कोई जगह नहीं मिल रहा था. और रात 12 बजा हुआ, हर एक कोई सो जाता है. उसी बीच मेरे को एक ब्रदर मिला, तो उनसे हाय हेलो हुआ. और फिर मैं उनके छत पे टेंट लगाने वाला था, फिर बारिश ज्यादा होगा वहां पे, पानी वगैरह जम जाएगा बोल के उन्होंने अपने घर पे बुला लिया. फिर उनके घर पे रहा मैं. अभी सुबह का ठीक 8:05 हो रहा है. अरे मैं देर से सो के उठा क्योंकि मेरे को सोते सोते 1:30 बज गया था, इसीलिए. तो आज मैं निकलूंगा आइजोल के लिए. और यहाँ पे लास्ट टाइम मैं एक फैमिली के संग रुका हुआ था, जब फर्स्ट टाइम मैं किफांग आया था, तो गलती से मैंने उनका चार्जर ले लिया था और अपना चार्जर वहीं पे छोड़ दिया था. तो अभी जाकर उनका चार्जर दे दूंगा. और कल का वीडियो अभी तक अपलोड नहीं किया हूँ एडिटिंग करके, तो मैं कल का वीडियो भी एडिटिंग कर दूंगा, अपलोड करके फिर यहाँ से रवाना ले लूंगा. तो चलिए चलते हैं और इस जर्नी का मजा लेते हैं. वाह, क्लास 7. पूरे परिवार वालों को थैंक यू सो मच मेरे को रहने के लिए दिए. और यार मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, मिजोरम के लोग बहुत अच्छे होते, बहुत हेल्पफुल होते. देखो ना, मैं रात 12 बजे घूम रहा था और जबकि मैं टेंट लगा सकता था, लेकिन बारिश गिर रहा था, उनको लगा कि यार टेंट में सो नहीं पाएगा. फिर आधी रात को अपने घर पे लेके आया, सोया. अभी मैं फ्रेश वगैरह हो गया हूँ, नहाया नहीं हूँ, सिर्फ बाद में नहा लूंगा. लेकिन अब मैं निकलता हूँ यहाँ से. मेरी स्माइली बाय बाय जूनियर, बाय. ए हाय. ओके, रात को मैं इसी तरफ से आया था, मेरे को जाना इसी तरफ है. बस उनका घर भी पास में ही है. बहुत ज्यादा मदद मिला यार. एक्चुअली मैं इधर उधर भटक रहा था यार, कहीं जगह नहीं मिल रहा था टेंट लगाने का, काफी छोटा जगह है. फिर अचानक उन ब्रदर से मेरा मुलाकात हुआ और मैं बोला आपका छत पे बहुत ज्यादा स्पेस है, मैं टेंट लगा सकता हूँ क्या? तो उन्होंने बोला हाँ हाँ लगा सकते हो. फिर वो छत पे आए तो छत पे देखे कि यार अभी तो बहुत ज्यादा बारिश होने लगा है, नहीं नहीं तुम मेरे घर के अंदर चलो, घर के अंदर सोना. और उस समय रात 12 से ज्यादा ही हो गया था. यही है यार यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग. जय हिंद. बाय. यही घर है उनका, चार्जर मैंने उनको दे दिया और अपना चार्जर ले लिया. अब यहां से चलता हूँ सीधे आइजोल के लिए. गलती से मैंने उनका चार्जर ले लिया था और अपना चार्जर वहीं छोड़ दिया था. लेकिन गलत है, फिर भी मैंने यहाँ पे रुका. यहाँ पे यदि नहीं रुका था तो अभी शायद मैं आइजोल पे होता. लेकिन कोई बात नहीं, रात को पहुंचूंगा. चार्जर दे दिया, अच्छा लगा. अब यहाँ से लेते हैं रवाना सीधे आइजोल के लिए. हाय यार, तुम्हारा नाम क्या? दोस्तों इसे बता दो, ये मणिपुर में पढ़ाई किया है और ये कोलकाता में रहता था, सॉल्ट लेक मिजोरम हाउस के पास. थैंक यू सो मच ब्रो. एक्चुअली ना मेरे को बहुत कष्ट, बाथरूम लगा था यार, जगह नहीं मिल रहा था. फिर मैं यहाँ पे आया और इनका वॉशरूम यूज किया. तो थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट. थैंक यू सो मच. सो बाय. मैं जब लास्ट टाइम किफांग आया था तो इनके घर पे मैंने रात को डिनर करके गया था.
और अभी एक्चुअली इनके घर पे मेरे को एक दिन रहना था, लेकिन मेरे को आइजोल इमरजेंसी पहुंचना, इसीलिए मैं रह नहीं पा रहा हूँ। मेरे यहाँ पे रुकने का प्लान था, लेकिन मेरे को जाना है आइजोल, लीजा से मिलना है, इसीलिए यार वो मेडिकल में फंसी हुई है। तो बस घूम के आ जाएंगे, फिर खाना वाना खा के यहाँ से निकलेंगे। এইখানে কাজ করেন না আপনি? হ্যাঁ এখানে। হ্যাঁ দোস্ত, আমাদের দাস দাদা ইয়হি পে কাম করতে হ্যায়, স্টেট গভর্নমেন্ট কে আন্ডার হ্যায়। ও জগহ দেখনে মে কিতনা ডরাওনা লাগতা হ্যায়। বাস ইনকা ঘর ইয়ে উপর সে জাতে হুয়ে না, ও উপর কি তরফ মে হ্যায়। এ দোস্ত, হ্যাঁ ইয়হা পে আয়া থা দাস দাদা কে ঘর পে। मेरे को तो निकल जाना था, लेकिन अभी 2 बजने वाला है और एक्चुअली मैं खाना वाना यहाँ पे खा लिया यार, मछली वगैरह बहुत कुछ बना था, खा पी के अब यहाँ से निकलूंगा आइजोल के लिए। पता नहीं 3 बजे भी मेरे को ये कोई गाड़ी वगैरह लिफ्ट मिल जाता तो मैं रात को पहुंच जाऊंगा, वरना फिर प्रॉब्लम होगा। और आज मेरे को जैसे भी करके आइजोल पहुंचना है। ओ ये देखो दोस्तों, ये है आम, इसको हम लोग आम सब तो बंगाली में बोलते हैं और आम सट हिंदी में बोलते हैं। ये आम का जो गुदा है ना मीठा वाला, उसको निकाल के बनाया जाता है। क्या बात है, ओहो। वैसे भी भाभी हमारा बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, वो स्वीट वगैरह हर एक चीजें बनाती है, जलेबी वगैरह और बहुत सारी चीजें। मैं तो बहुत जलेबी वगैरह खाया। और थैंक यू सो मच आम सर्ट के लिए। देखो दोस्तों घर का बना हुआ आम सर्ट। प्योर आम का है यार, बड़ा टेस्टी है, खुशबू लाजवाब, जबरदस्त है यार, बहुत ज्यादा टेस्ट है, बहुत ज्यादा। तो अब यहां से मैं निकलता हूं इन सब का प्यार लेते हुए। आज बोदी जूनियर दीदी क्यों बोल बे, दागा होते पालो ना, इन्हें निश्चय किचु बच्चों पर आवाज दाखा हो बे। थैंक यू, बाय बाय। बाय ओसुद खबे हैं, थैंक यू सो मच ভালোবাসার জন্য। ধন্যবাদ দাদা, বাই, আবার দেখা হবে, থ্যাংক ইউ, আমাকেও বাই। ये जो रास्ता आप लोग देख रहे हो ना, ये चंपाई की तरफ जाएगा और ये रास्ता है आइजोल की तरफ, और मैं इस जंगल के अंदर ही शॉर्टकट लेते हुए आया हूँ। अभी अभी मैं दास फैमिली के घर से आ रहा हूँ, वो लोग आसाम के ही रहने वाले हैं यार, बहुत ज़्यादा प्यार दिए। एक्चुअली उनके घर पे मेरा रहने का बात था, और जब पता चला कि मैं नहीं रहूँगा, मैं चले जाऊँगा, उन लोगों को बहुत बुरा लगा, बहुत मेरे को बोले। लेकिन यार मेरे को आज कैसे भी करके आइजोल पहुँचना है, इसलिए मैं रह नहीं पाया। लेकिन अरे भाभी ने खाना वाना बना के खिला के भेज रही है, बहुत ज़्यादा प्यार मिला, तो थैंक यू सो मच दास फैमिली को इतना प्यार देने के लिए। तो वहां से पैदल चलते हुए दोस्तों मैं इस जगह पेट्रोल पंप पे आ गया हूँ, और यही आइजोल जाने का रास्ता है। हाय ब्रो। और अभी अभी मैं इस जगह पे आया हूँ, अब यहीं पे रुकूंगा मैं। तो यार गर्मी वगैरह बहुत है, बैग मैंने यहाँ पे रख दिया, अब बस कोई गाड़ी वगैरह आएगा तो यहीं से लिफ्ट लेते हुए जाऊंगा, क्योंकि ये पूरा हाईवे का रास्ता है और पैदल चलना बेकार है, क्योंकि कोई जगह मिलेगा नहीं, और यहीं से सारा गाड़ियां जाएगा आइजोल के लिए। अच्छा हुआ आप लोग मिल गए, लाइए पकड़ लेता। और हाँ ब्रो, तो चलो चलो, फाइनली मेरे को बहुत मुश्किल से लिफ्ट मिला, और ये ब्रदर लोग सभी आइजोल जा रहे हैं, आइजोल नहीं ये लोग जा रहे हैं सिलचर, लेकिन मेरे को आइजोल पे उतार देंगे। तो यार
बस यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है आइजोल, अभी हम लोग त्रिपिया में है। और आप लोगों को बता दूं ये जगह आप लोग भूलना मत, क्योंकि यहाँ से मैं पैदल होते हुए गया था चंपई की तरफ। यहाँ पे बहुत सारे दुकान वगैरह है, बहुत कुछ है यहाँ पे खाने पीने के लिए, लेकिन हम लोग को खाना पीना नहीं है। ब्रदर लोग यार कल से ये लोग निकला चंपई से कुछ खाए पिए नहीं, तो ये लोग खाएंगे पिएंगे, और मैं तो दोपहर को यार दास दादा के घर पे बहुत ज्यादा खाना खा के निकला था। ब्रो लोग है जो अभी हम लोग साथ में जा रहे हैं, और ये देखो ये नींबू पानी है और ये गन्ने का जूस है, वो अभी 100 रुपीज पूरा कूलिंग है ना। नींबू पानी कितने करके है? 150। वेरी कॉस्टली यार। और ये लेकिन कूल है, हाँ बड़ा ठंडा है। तो यार आप यहीं पे हर रोज बैठते हो? मैं लास्ट टाइम गया था 1 वीक हो रहा है, 1 वीक या 10 डे यहाँ से पैदल गया था, आपको नहीं देखा क्या? मैं यहाँ से गया था पैदल गया था यहाँ से, तो फिर नहीं कोई नहीं था यहाँ पे, पता नहीं। अच्छा ये गुड़ है, बर्फी। ओ इसका प्राइस क्या है? 50। और ये बर्फी, ये दो बर्फी। ओ सेम है, वाओ वेरी नाइस। ये तो कोकोनट एंड मिल्क। हाँ ये मिल्क का है। और ये? ये तो ओ तो ये आप लोग घर पे बनाते हो? वाह यार। ये दोस्तों ये जो चीजें है ना ये लोग सब अपने घर पे बनाते हैं, और देख रहे हो ये पूरा फ्रेश है, पूरा का पूरा फ्रेश। ये 150 रुपीज। और ये 100। ये 100 रुपीज। ये गन्ने का है, ये नींबू का है, पूरा फ्रेश ठंडा मिलेगा आपको। और जब भी आप लोग यहाँ से होते हुए आपको चंपई जाना होगा यही रास्ते होके इनके पास आना। देख रहे हो आप लोग यहाँ पे फ्रेश जूस बनाया जा रहा है गन्ने का। तो ये है तुरई विलेज, और ये पीछे की तरफ ब्रिज देख सकते हैं। ये ब्रिज 1989 को शायद बना था, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद यही डेट होगा, और तब से ये रास्ता जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे आप लोग आओगे, यहाँ से गुजरोगे तो आपको बहुत तरीके का सामान आपको मिलेगा, सिर्फ सब्जी वगैरह नहीं, जैसे जूस वगैरह हो गया, और भी बहुत सारा जूस वगैरह तो आप लोगों को दिखाया, लेकिन आप लोगों को कोई भी चीज़ चाहिए तो आप लोग यहाँ से ले सकते हो, सस्ते में आप लोगों को मिलेगा इसलिए। लेकिन यार दिल सा लग गया है मिजोरम में। हाय मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? अच्छा है। Okay. Wow. So you selling? What is the name? It is a snail. Ah. In the Mizoram language is chenko. Chenko. Right. What's the price in Mizoram? Okay. We may know like that. Yeah. It is a. Yes. Yes. Only one. 1 liter like that. 3 glass is 4. Oh. XO. Wow. Now, close yeah. off. We have 2. Ah. Oh. So where are you from? I'm from Orissa. Orissa. Yeah. I'm from Orissa. Bye bye bye. Bye. Shukriya. Oh wow. Shukriya. Thank you. मैम यू आर अ वेरी नाइस ह्यूमन, तो बाय। लेट्स गो बॉयज, सॉरी फॉर लेट।
आज जस्ट रास्ते से निकले और अभी इस जगह पे आ गए। ये जगह पे गाड़ी वगैरह धुलाई होता है और ऐसा मिजोरम में बहुत कमी जगह है जहाँ गाड़ी वगैरह धुलाई होता है इसीलिए। और अपना ये गाड़ी बहुत ज्यादा गंदा हो गया है बोल के देख रो, बस पाइप लेके बाहर का हिस्से को धोना है फिर यहाँ से अब निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ज्यादा 15-16 किलोमीटर ही है आइजोल, पास में ही है, लेकिन मैं थोड़ा आगे उतर जाऊंगा आइजोल के, फिर ये लोग चले जाएंगे सिलचर की तरफ। फोन करना तो मैं अभी पहुंचा इस जगह पे और बहुत ज्यादा रात हो गया, तो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ न्यू मार्केट की तरफ, क्योंकि जब मैं आइजोल पे आया तो जहाँ पे रुका था वहीं पे जाऊंगा। नोटुंदा मेरे को लोकेशन शेयर कर रहे हैं, तो वो लोकेशन को फॉलो करते हुए चलता हूँ रूम की तरफ।